स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कोहिनूर को एक बार फिर से हिंदुस्तान लाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। याद रखिए, इससे पहले जो बात सामने आई थी वो यही कि सरकार ने कहा था कि ये तोहफे के रूप में दिया गया था, लूटा नहीं गया है। लेकिन क्या सरकार अपने स्टैंड में पलटी है? हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल कंवल इसी खबर पर जुड़े हैं। राहुल, क्या खबर? कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोहिनूर एक तोहफा था इंग्लैंड की महारानी को, इस वजह से तोहफे को वापस नहीं लिया जा सकता। उस वक्त हमने देखा कि आरएसएस ने उसका विरोध किया, हमने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं उन्होंने विरोध किया। अब सरकार की तरफ से हमें उच्च स्तरीय सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी अभी सरकार ने ये फैसला लिया है कि सरकार ये मैसेज देगी कि कोहिनूर डायमंड को वापस लाने के लिए जो संभव कोशिश हो सकती है वो सारी कोशिशें की जाएंगी। सरकार ये नहीं चाहती कि मैसेज जाए कि मोदी सरकार ने इतने सालों से जो मेहनत चल रही थी कि कोहिनूर हीरा वापस आए, नेशनलिस्टिक एक मुहिम थी कि मोदी सरकार ने उसके तरफ कोई कोशिश नहीं। मतलब वजह यही है पलटने की जो समझ में आ रही है कि एक जो छवि बन रही है कि बड़ी नेशनलिस्ट सरकार है उसको कहीं बट्टा ना लगे। होना भी चाहिए, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि दिलीप सिंह उस वक्त 13 साल के थे जब ये डायमंड ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। 13 साल का अडल्ट नहीं होता है उस वक्त, उसको किसी को तोहफा देने का लीगल राइट नहीं होता। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, नफतेज सरना एक जाने माने डिप्लोमेट है, उनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि दिलीप सिंह जब बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस है कि एक ऐसी चीज जिसका मूल्य मुझे नहीं मालूम था, जिसकी अहमियत मुझे नहीं मालूम थी, मुझसे तोहफे के तौर पर किसी और को दे दी गई। तो इनका यह कहना है कि तोहफा नहीं था, जबरदस्ती लिया गया। उस वक्त चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य था, उनकी सिखों पर जीत हुई थी, उस वजह से ये इंग्लैंड गया। वहां पे एक शख्स ने उनको दिया, जब दिलीप सिंह बड़े हुए 18 साल के वहां पढ़ने गए, आपको मालूम है, अंजन जब बड़े हुए तो कहा कि ये तो तोहफा है। उनका कहना ये तोहफा नहीं। तो मोदी सरकार भी अब कह रही है कि इस हीरे को वापस लाने के लिए जो संभव कोशिश हो सकती है वो हम करेंगे। शुक्रिया राहुल। राहुल कंवल हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी, यानी कोहिनूर के लिए वापस लाने के लिए हिंदुस्तान सरकार करेगी पहल। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं वो खबर जिसको देखकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बैंड बाजा बारात। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली, मुस्कुरा